इंदौर में लगातार नकली शराब पीने से हो रही मौतों के बाद अब इंदौर आबकारी विभाग हरकत में आया और जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के खातीवाला टैंक में एक फ्लैट पर छापामार कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अंग्रेजी देशी शराब और बियर जब्त की। मौके से टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इंदौर में नकली शराब पीने से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर पुलिस ने आज इस बात का खुलासा भी किया कि मौत नकली अंग्रेजी शराब पीने से हुई है, जिसके बाद एक्शन मोड में आई इंदौर आबकारी विभाग की टीम ने छापामार कार्यवाही करते हुए लाखों रुपए की अंग्रेजी देशी शराब और बियर जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आबकारी विभाग की टीम को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि खातीवाला टैंक में रॉयल एम्पायर बिल्डिंग के एक फ्लैट में काफी समय से अवैध शराब बेचने का कारोबार चल रहा है। सूचना मिलने के बाद आज आबकारी विभाग की तो टीमों ने मिलकर फ्लैट पर छापामार कार्यवाही की और वहां से बड़ी मात्रा में लाखों रुपए की अंग्रेजी शराब, रॉयल स्टेज, रॉयल चैलेंज, एमडी विस्की, बियर और देशी शराब जब्त की है। मौके से टीम ने एक आरोपी हेमंत शर्मा को गिरफ्तार किया है। वहीं आबकारी विभाग की टीम को आशंका है कि अंग्रेजी शराब नकली है, इसलिए टीम शराब की एफएसएल से जांच करवा रही है। अगर शराब नकली निकलती है तो आरोपी पर राशुका के तहत कार्यवाही की जाएगी। टीम ने लाखों की शराब जब्त कर वाहवाही तो लूट ली, लेकिन सवाल ये खड़ा होता, अगर आबकारी विभाग पहले से ही इसी तरह की कार्यवाही करता रहता तो शायद नकली शराब पीने से 6 मौतें हुई है उन्हें बचाया जा सकता था। जैसा कि आप जानती हैं कि शहर में इस प्रकार की घटनाएं बहुत हो रही है, तो इसलिए हमारा अमला लगातार सक्रिय है और इसकी सक्रियता के चलते हमने एक बड़ी घटना होने को टाला है। और हमको एक खबर मिली थी कि रॉयल एम्पायर बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 102 में खातीवाला टैंक में इस प्रकार का ये गोरख धंधा करता है, तो इसका हमने लगातार 2-3 दिन से इस पर हम वॉच करे हुए थे। तो आज हमको एक मौका मिला, तो हमारी टीम जिसका नेतृत्व तो हमारे कंट्रोलर राजीव द्विवेदी कर रहे थे और शालिनी सिंह, इन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाकर इस प्रकरण को अंजाम दिया, जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जिसकी गुणवत्ता भी संदिग्ध हो सकती है, इसकी हम FSL की भी जाँच करा रहे हैं। इसमें अंग्रेजी शराब में रॉयल चैलेंज है, रॉयल स्टैग है, मैकडॉल रम है, इस प्रकार भिन्न भिन्न ब्रांडों की इस प्रकार की इन्होंने सभी चीज़ें एकत्रित करके रखी थी, जिसमें देशी मदरा भी थी, बियर भी थी, तो इस प्रकार ये एक रैकेट समानांतर चला रहे थे। इसके ऊपर हमारी काफ़ी दिनों से नजर थी, तो आज हमारे को मौका मिला और हमने इस पर कार्रवाई की। सर, कहां से लेकर आता था शराब? अभी हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसके मोबाइल और इसके कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह की जानकारी लेके हम इसमें पता लगाएंगे ये कहां से लेकर आ रहा था, और इसमें जो जो इन्वॉल्व भी होगा हम उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। और चूंकि इस प्रकार के यदि इसमें FSL की जांच में कोई भी अवमानना किस तरह की शराब पाई गई, तो हम इसके विरुद्ध 49A या जहरीली शराब बेचने के संबंध में जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। सब क्या का माल बरामद हुआ है? इसमें अभी एक आरोपी है, इसमें हमारे पास अलग अलग ब्रांड की जैसे मैकडॉल रम की 12 बोतल, मैकडॉल नंबर 1 विस्की की 12 बोतल, रॉयल चैलेंज की 70 बोतल, रॉयल स्टैग की 10 बोतल, ब्रांडर स्प्राइट की 12 बोतल, इस प्रकार 116 बोतल और किंगफिशर स्ट्रॉन्ग की बियर लगभग 23 वो भी जब्त की गई है, और देशी मदरा के 50 पाव, 73 प्लेन पाव, ये टोटल 123 पाव जब्त किए गए हैं। उसके पास अनुमानित कीमत कम से कम 7-8 लाखों रुपए हैं, लाख 7-8। युवक का नाम क्या है जो पकड़ा है? युवक का नाम है ये हेमंत शर्मा, हेमंत शर्मा को पकड़ा है इसको।